पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल में डॉक्टर द्वारा नर्स के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिससे मंगलवार को नर्सों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में तैनात आरोपी डॉक्टर की जमकर धुलाई की। नर्सों ने डॉक्टर को जमकर थप्पड़ मारे। कैमरा के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ। मौके पर महिला थाना पुलिस की टीम भी पहुंची। वहीं मामले में अब हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। जानकारी के अनुसार रात को कोरोना के मरीजों के लिए बनाए आइसोलेशन वार्ड में स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी। वहां मनरोगा डॉक्टर राउंड पर आए थे। इस दौरान उन्होंने नर्स से छेड़छाड़ शुरू कर दी। नाइट में सेकंड फ्लोर आइसोलेशन वार्ड में, तो वहां पे हमारा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मनोज चला गया। उसने ड्रिंक कर रखी थी और जाके उसने मतलब कि हमारी लड़की के साथ गलत छेड़छाड़ करी, तो हमारी लड़की ने भाग के अपना पीएमओ सीएमओ को बयान दिए। फोन करके बताया कि मैम ऐसे ऐसे ड्यूटी पे मेरे साथ ये हुआ है। खैर उस टाइम हमारे पीएमओ सीएमओ तो आ चुके थे, पर फिर भी वो डॉक्टर फरार हो गया यहाँ से, ठीक है। और उसी के कारण फिर हमने इनको इंटीमेशन दे दी थी कि हम ऐसे ऐसे है कि हम करेंगे आगे एक्शन। हमने इनको टाइम दिया था, आज तक का टाइम इनके पास था। अब हमने FIR लॉन्च करा दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा हम लोग अपना वापस नहीं। कब की घटना है मैम, कब हुई थी ये? है संडे की नाइट, सैटरडे की नाइट थी जी। तो शराब पी रखी थी डॉक्टर ने? हाँ, बिल्कुल पी रखी। क्या नाम है डॉक्टर का? मनोज। तो आज मारपीट भी हुई है मैम कुछ? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम तो अमल है, मैं पंचकुला नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ जी। ठीक है सर। क्या मामला क्या था सर इसमें? तो कोई FIR भी दर्ज हुई है सर इसमें? हो गया सर। तो गिरफ्तारी का कब तक? ठीक है सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।